फिर जी शायद फाइनल है, मैं गंजा करा दूं। इससे बेहतर है कि मुझे कोई अच्छी सी कटिंग बता दो या कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरे बाल अच्छे हो जाएं। ठीक है, ये मम्मी को भी पहली बार गाड़ी में बैठा है शाह। नहीं, मैंने कही गाड़ी किसकी। अच्छा, मुझे पता नहीं है इसका। भाइयों ये देखो, बहुत बातें कर रहे हैं। आप लोग कहते हो खान के साथ गलत ना किया। ये तो तेरी बातें सुना रहा, कहता है एक बार बैठ गया तो अब क्या बातें कर रहे तू। सही बोल रहा ना, मुझे कह रहा है तुझे ही बोला ना एक बार घोड़ा। भाइयों नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उस पे सिर्फ ये चैलेंज होगा। लगे हुए तुम्हें छोड़, कोई मिलती नहीं है किसकी। तो बस पता नहीं घर वाले भी तेरे व्लॉग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर करिए अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फ्लू हुआ हुआ यार आपके भाई को। बालों की मैंने हल्की फुल्की सेटिंग कराई थी, कोई कटिंग तो आपने बताई नहीं है, तो मैंने क्या बस आप गुजारा करते हैं, बाकी जब आप बताओगे तो फिर कोई सीन करेंगे। अभी आया मलक फैजी। कैसे हैं शेर अली, क्या हाल है? मुजम्मिल अली क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा जी, तो अभी फैजी का कहना है कि जाना है डॉगी को लेके। कहाँ पे भाई, क्या कराना है जी कुत्ते को? जी वो कल तो चला गया। कल पे चलो, ये फिर अच्छा हो गया। अब कहाँ जाना है? देखे तो सही तो खाली शाम जानी हो ग्राउंड यार। अब मंजर की तरफ भी जाना था भाई, रात को उसने बोला है। थोड़ा तो टाइम नहीं ने पीछे, बाकी तो समझ ऐसा ही नहीं थे। क्या हूँ, रात को उसने नहीं बताया आपको? और घोड़े तो है ना, दिन पहले मैंने। चलो मम्मी, ये देखो हमारे चौई साहब आए। अस्सलाम वालेकुम चौई साहब। नमस्ते। नहीं तो बस तकफार यार, क्यों आवाम से बेइज्जत करा रहे हो? और एक सेठ किधर है यार? रोज मुझे कमेंट आते हैं भाई प्लीज नेक्स्ट व्लॉग आर एक सेठ का, आर एक सेठ का। बात तो आपकी ठीक है, खैर गाड़ी आगे करो, पीछे गाड़ी आ गई। चौई साहब को जोश चढ़ के कहते हैं जी मैं आज घोड़े पे बैठूंगा। मैंने कहा उस दिन तैयब इतनी स्पीड में भागे, आपने वीडियो देखी होगी। बाकी चौई साहब ने नई गाड़ी ली है माशाल्लाह। ये बाबा जी आप तो मॉडिफाई गाड़ियां ही ले लेते हो, लगता है आर एक सेठ राज की हो तैयार करा रहा, किस वजह से कहते हो अब तैयार हुई हुई गाड़ी ले। अच्छा आपकी शक्ल बता रही है राज की, किसी ने नहीं ले ली। अच्छी गाड़ी है यार, चलो जाए जा भाई। निकला है मुतमिन हो गई या नहीं? चोई साहब देखा है फिर छोटा सवार? हिम्मत करें, हिम्मत करें, जाए आगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये देखो खान को उस दिन मैंने रोटी की ऑफर दी है, मैंने क्या बैठ नहीं बैठा। ये मम्मी को भी पहली बार गाड़ी में बैठा है शाह। नहीं मैंने कही गाड़ी किसकी। अच्छा मुझे पता नहीं है इसका। भाइयों ये देखो बहुत बातें कर रहे हैं। आप लोग कहते हो खान के साथ गलत ना किया। उसके साथ जब मजाक नहीं है फिर क्यों बोल रहा दरमियान? हाँ आप ना है ना मम्मी, हिम्मत कर बच्चे जा। वो बच्चे को देखो यार, क्यों बैठ जाएंगे? मैं कह नहीं। ठीक है चलो बैठो फिर, अभी सही है खान चल बैठ यार। ठीक है बैठेगा ना? अरे तुमसे अच्छा ही है सुभान, ये देख कितना डरते हैं ये भाई। घोड़े के साथ इसकी जिंदगी गुजर गई है ना, किसकी गुजर? अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई है, वो देख छोटा है, मुंह पे उसके एक बाल नहीं आया। ठीक है अपना देख, तू इतना बड़ा खच्चर हो गया तू फिर भी घोड़े पे बैठने से डरता है, गजब बेइज्जती है। कोई मसला नहीं, उसने जो मैंने रोटी की ऑफर दी है, मैंने कहा खान बैठ रोटी रोटी ला के बैठना है यार, घोड़े को भगाएंगे बहुत डरते हो यार। छोड़ो चोई साहब भी आ जाए पर जो है ना काम इनका खराब है। 120 यार क्या करें यार इसका, देखो दिमाग खा जाता है बोंग बोंग के, या खा जाती है पता नहीं कुत्ता है कि कुत्ती है। तो भाइयों मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दो, नहीं तो मैं करा दूंगा गंजा। ठीक है आखिरी हाल मेरे पास ये है। सही है बाल हो गए मेरे बड़े खराब, गंजा कराएंगे फिर ठीक आएंगे। से पहले गंजा कराया था अच्छे आए थे ना, फिर इनके साथ उंगल की है, कैरेटिन कराई है, केमिकल सारा इन पे इस्तेमाल हुआ, फिर ख़राब हो गए। नहीं तो आपके भाई के बाल आपकी तरह बड़े खूबसूरत हैं, देख रहे हो ना जैसे आपका भाई खूबसूरत है, ऐसे बाल भी बड़े फिट थे, बस ख़राब हो गए। तो मेरा एक दोस्त है बड़ा फनकार है, अभी वो जब ये क्लिप देखेगा ना मेरा व्लॉग देखेगा, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन शॉट ले के ना मुझे भेजेगा। उस्मान शुएब नाम है जी भाई का। मुझे कहता है शुभाष टेंशन नहीं लेनी, मैं यूके से तेरे लिए ऑयल भेज रहा हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर तुझे मिल जाएगा। महीना हो गया तेल नहीं आया, बाल मेरे और ख़राब हो गए। पुत्र तेरे आसरे पे बैठा हूँ, तेल नहीं भेजा तूने अभी तक साले। खैर कोई चक्कर नहीं, हम और कोई मंगवा लेंगे, कोई और चक्कर कर लेंगे, बाल हमारे फिट हो जाएंगे, पर शायद गंजा करवाना पड़े।
इधर सारे शहरी को हौसला दे रहे हैं, भाई बैठो बैठो, कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता। खान तेरी वीडियो नहीं बन रही आगे से हट। हाँ देखे खान बाबा जी डायलॉग सुनाता है, फिर आप लोग कहते हो खान के साथ ऐसे ना किया करो। वो जा यार जा। कोई नहीं जी, चोई साहब का दिल नहीं माना कि घोड़े पे बैठूं मैं, तो चलते हैं अभी कोहिस्तान, कोई अपनी वीडियोस बना लें, कोई अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना ले हैं। चोई साहब फिर जी, आप भी इन दोनों की तरह जो है ना, देखो आप तीन तीन इकट्ठे हो गए, ये तीन बंदे हैं जी भाई जो घोड़े पे नहीं बैठ सकते। और खैर है, देखो मेरी बात सुनो, उस दिन फादी भाई आए हैं, शेबी भाई हैं, कितने बड़े हैं, वो भी बैठने से डरे थे पर बैठे हैं, उन्होंने फिर वीडियो भी लगाई है नीचे। हाँ ये तो तेरी बातें सुना रहे, कहते हैं एक बार बैठ गया तो अब क्या बातें कर रहे तू? सही बोल रहा ना, मुझे कह रहा है तुझे बोला ना एक बार घोड़ा भाई। और नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उस पे सिर्फ ये चैलेंज होगा कि रोटी रोटी शोटी लगाएंगे, ठीक है सांग भाई, सांग भाई वो बंदा उठाता है जिसको पकी नजरबाजी की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मैं बैठ के तुझे भगा के दिखाऊंगा, ठीक है। उधर क्या खिलाएगा यार, कर लेंगे ना, जब चैलेंज आएगा कर लेंगे। ऐसे ऐसे बोलो बात पूरी करे, चैलेंज आएगा तो कर लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में इसको बोलो चाहिए सब बात पूरी करे, मैं बैठ के भगाऊंगा भी, ठीक है, पूरी बात करो ना। तो और देना देखो फिर रो रहा है, रो पड़ता है बस, ठीक है बाबा जी रोटी डालो। यार अभी इतनी बातें कर रहा है, इसको मैंने खुली ऑफर दी थी उस दिन, ठीक है, मैंने इसको कहा भाई तू सिर्फ घोड़े पे बैठ के दिखा, जिधर बोलेगा तेरा भाई रोटी खिलाएगा। तो मैं अभी अगला नहीं माना, इसमें क्या है, अभी खिलाता है, अभी जाके बैठता हूं, फैजी नहीं पकड़ेगा, खुद जाके बैठेगा इस पे, नहीं फैजी वाले घोड़े पे भाई, इस पे तुम दिल गाओ, उस पे भी कोई नहीं पकड़ेगा, खुद बैठोगे, ठीक है, डन होगी, ठीक है डन, सही है, सोच ले ये, देखे मैं भागने नहीं दूंगा इसको, फिर रोएगा बैठ के। भाइयों आप लोगों ने फिर नहीं बोलना, ज्यादती की है खान के साथ। आ गए जी कोहिस्तान, मौसम है बड़ा ही हसीन, ये देखो इनको। जमील क्या कर रहे हो तुम मोबाइल पे? ठीक नहीं बना रहे थे, कमेंट देखते हो ना फिर भाइयों के, मुजम्मिल हर टाइम मोबाइल पे लगा रहता है। ना करो कुछ और दिखाई हो जाएगा, ना करो। अच्छा चलो यार ठीक है भाई जान, ये ग्लासेस का 1000 रुपया रेंट है, समझ लगी है ना, इज्जत से पहनो और दे। हाँ इतनी तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत, इसका झंडा तुम ठीक कर रहे हो, ये दाढ़ी क्यों नहीं तुम बनवा रहे, कौन से रोग लगे हुए तुम्हें, छोड़ कोई मिलती नहीं है किसकी, तो बस पता नहीं घर वाले भी तेरे ब्लॉग देखेंगे। बना लिए जी पिक्चर वीडियो, चलते हैं आप वापस डेरे पे। क्या हुआ खान जी, तुम फ्री हो जाओ तो मेरी भी एक वीडियो। खान जी देखो अंधेरा पड़ जाता है फिर आपको याद आता है, फिर जी शायद फाइनल है, मैं गंजा करा दूं, इससे बेहतर है कि मुझे कोई अच्छी सी कटिंग बता दो या कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरे बाल अच्छे हो जाएं, ठीक है, समझो मेरी बात को, अगर मैंने गंजा करा दिया तो फिर मेरी बहुत डेंजरस सी लुक हो जाएगी, फिर वो मैं प्यार मोहब्बत वाली, चोई साहब क्या करते हो डरा दिया, फिर मैं वो प्यार मोहब्बत वाली पोएट्री नहीं कर सकूंगा, फिर बहुत से भाई बहने शहजादियां शहजादे मुझे जो है ना अनफॉलो कर जाएंगे, अनसब्सक्राइब कर जाएंगे, इससे बेहतर है मुझे कोई अच्छी सी कटिंग बताओ, कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट बताओ, देसी देसी जैसी चीजें को बताओ जिससे मेरे बाल फिट हो जाए, ठीक हो समझो शायद, समझो ना निकला करो रात। अच्छा जी मैं रात की बात ही कर रहा हूँ, मैं बालों की बात कर रहा हूँ, तो बस इधर हम करते हैं आज का व्लॉग एंड, और शायद जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो जो खान ने मुझे चैलेंज दिया है उस बारे में आए, तो बस लाइक कमेंट करके लाजमी बताना कि आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है उधर भी फॉलो कर लेना, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।